जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं कल्पना माहेश्वरी अपने चैनल माहेश्वरी रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ गोभी की एक बहुत ही टेस्टी और थोड़ी नई और थोड़ी पुरानी सी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, वो है बर्मा गोभी। यह गोभी मुसलम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। इस सब्जी को हम किस तरीके से बनाएंगे ये हम वीडियो में ही देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलता रहे। आज मैं आपके साथ गोभी की एक और नई और बहुत ही टेस्टी थोड़ी यूनिक सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो है बर्मा गोभी या गोभी मुसलम। और उसके लिए मैंने लिया है ये आधी किलो फूल गोभी और आप देख सकते हैं गोभी एकदम फ्रेश है। सबसे पहले हम गोभी को साफ कर लेंगे। हमें इसके लिए इसके फूल को अलग नहीं करना है, हम एकदम साबुत गोभी बनाएंगे जो खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी होता है। और इसके बाद इस गोभी के फूल को हम 10 से 15 मिनट के लिए थोड़ा नमक डालकर पानी में डाल देंगे। और इससे हमें फायदा ये होगा कि अगर गोभी में कोई भी इम्प्योरिटी है तो वो पानी पे ऊपर आ जाएगी और हमारा गोभी एकदम साफ हो जाएगा। गोभी को पानी में डाले हुए करीब 15 मिनट हो चुके हैं और इसमें कुछ छोटे छोटे काले तिनके थे वो ऊपर आ गए हैं। और इसी बीच एक कढ़ाई में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था और आप देख सकते हैं कि पानी में उबाल आ चुका है। और इस पानी में हम डाल देंगे 1 टीस्पून जितना कुकिंग ऑयल, 1/2 टीस्पून जितना नमक और उसके बाद हम इस पानी में डाल देंगे ये गोभी जिसे हमने नमक के पानी में भिगो कर रखा था। इसके बाद पैन का ढक्कन लगा देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसे 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। गोभी को हमें हाफ कुक करना है, पूरी तरह से गोभी को ना पकाएं वरना फूल टूट जाएगा। करीब 1.5 से 2 मिनट हो चुका है, एक बार गोभी को टर्न कर देते हैं जिससे गोभी दोनों तरफ से अच्छे से पक जाएगी। जितनी गोभी पकती है उतने ही मैंने लिए हैं ये कुछ सब्जियां, जिसमें 2 प्याज, टमाटर, 8-10 कलियां लहसुन की, 2 हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया है। और इन सब चीजों को हम बारीक चॉप कर लेंगे। और अब गोभी को पकते हुए 4 से 5 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं कि गोभी का कलर हल्का सा चेंज हो गया है और वो हाफ कुक हो चुकी है, एक बार और टर्न कर देंगे। ढक्कन से कवर कर देंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और 2 से 3 मिनट तक इसी में रहने देंगे। और उसके बाद फिर से गैस ऑन करके उसके ऊपर मैंने एक बड़ी और भारी पैदे की कढ़ाई रख दी है। कढ़ाई थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए जिससे गोभी पूरा आ सके। और उसमें हम डाल देते हैं 3 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल, ऑयल के गर्म होते हम उसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना जीरा, साथ ही डाल देंगे 1 टेबलस्पून बटर और इस थोड़े से बटर से ही सब्जी का टेस्ट बहुत बढ़ जाएगा। और बटर के मेल्ट होने से पहले ही हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्च, अदरक और लहसुन जिसे हमने एक साथ चॉप करके रखा था। और कुछ ही सेकंड बाद हम इसमें डाल देते हैं प्याज एक से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर प्याज को भून लेंगे। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर, और अब आ रही है मसाले डालने की। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चे, तीखा आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर। हम भरमा सब्जी बना रहे हैं और भरमा सब्जी में मसाले थोड़े से ज्यादा लगते हैं। और ये डाल दिया टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून भुने हुए जीरे का पाउडर और इससे सब्जी का फ्लेवर और टेस्ट दोनों ही बढ़ जाता है। और अब मसाले को 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे या जब तक ये ऑयल को रिलीज नहीं कर देता।
और अपनी गोभी मुसल्लम को या भरवा गोभी को बहुत ही रिच टेस्ट देने के लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून जितनी फ्रेश मलाई, और इसे भी साथ में हल्का सा भून लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी मलाई डालने के बाद हमारी जो ग्रेवी का टेक्सचर था और कलर था वो कितना ज्यादा अच्छा हो गया है। और इसी समय हम इसमें डाल देंगे वो फूल गोभी जिसे हमने हल्का सा पका कर रखा था, साथ ही डाल देंगे 2-3 टेबल स्पून पानी जिससे ग्रेवी थोड़ी सी पतली हो जाएगी और गोभी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी। उसके बाद एक छोटे साइज का चम्मच लेंगे और इस तरीके से ग्रेवी को गोभी के ऊपर डाल देंगे। एकदम लो फ्लेम पर ढककर हम गोभी को 4 से 5 मिनट पकाएंगे। बीच बीच में गोभी एक दो बार पलट देंगे। करीब 2 मिनट हो चुके हैं और एक बार गोभी को टर्न कर देते हैं जिससे मसाला दोनों तरफ अच्छे से कोट हो सके और अंदर तक जा सके। बस आपको गोभी को टर्न करते हुए एक बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो फूल गोभी है वो टूटे नहीं, क्योंकि ये जो गोभी मुसल्लम होती है या भरवा गोभी होती है ये साबुती देखने में ज्यादा अच्छी लगती है। बस इधर से भी मसाला डाल देते हैं। फिर से ढक्कन लगा देंगे। एक बार फिर से गोभी को देख लेते हैं और आप देख सकते हैं कि गोभी बहुत ही अच्छे से पक रही है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। इसी समय हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना कोकोनट पाउडर। हाथ से क्रश करके थोड़ी सी कसूरी मेथी, साथ ही डाल देते हैं थोड़ा सा ग्रेट करके पनीर। थोड़ा सा हरा धनिया और सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए और इसे कवर कर देते हैं। 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और हमारी ये जो गोभी थी बहुत ही अच्छी पक चुकी है। गोभी मुसल्लम को पकने के लिए या भरवा गोभी को पकने के लिए करीब 15 से 20 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि पहले हमें गोभी को पकाना होता है और उसके बाद इसे ग्रेवी में अच्छे से पकाना होता है। और आप देख सकते हैं जो गोभी था वो बहुत ही अच्छा पक चुका है, काफी सॉफ्ट हो चुका है और जो नाइफ था वो बहुत ही इजीली इसमें जा रहा है। इसका मतलब गोभी अच्छा पक चुका है। इस भरवा गोभी या गोभी मुसल्लम की रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राई करें, आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। और ये जो सब्जी होती है इसे तो आप चाहें तो रोटी, पराठे, चपाती, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, सबके साथ बहुत अच्छी लगती है। इस रेसिपी को आप इस तरीके से एक बार जरूर ट्राई करें और फीडबैक में मुझे बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। हमारी ये बहुत ही टेस्टी थोड़ी नए तरीके से बनी हुई भरवा गोभी ये गोभी मुसल्लम बनकर तैयार है। इस सब्जी को आप रोटी, पराठे, चपाती, नान, चावल किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है। अगर रेसिपी और तरीका आपको भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड और फैमिली में शेयर करें। चैनल पर नए मेहमान है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को समय पर मिलते रहे। थैंक यू। Thank you.